हाय हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो अभी इस वक्त मैं हूँ जोधपुर के मंडोर उद्यान में, और क्यों हूँ, किस लिए हूँ, उसका रीज़न बता देता हूँ। कुछ टाइम पहले मैं जयपुर गया था, आपको याद होगा, उस टाइम मैंने एक ब्लॉग बनाया था, एक भाई मिला था मुझे, आपको याद है, रितेश बिश्नोई ब्लॉगर थे। तो वो जयपुर मिले थे, गंगानगर के हैं, और वो अभी गंगानगर के हैं, उदयपुर जाके जोधपुर आए, तो उनसे मिलना हो रहा है इस वक्त, और इस वक्त वो मेरे पास हैं, उनको घुमाने के लिए मैं लेके आया हूँ इस वक्त। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। और हमारी एक बहुत फेमस लाइन है कि तरक्कियाँ दे, खुशियाँ दे, भगवान आप सबको हमको लंबी उम्र दे, तरक्कियाँ दे, खुशियाँ दे। और जितने भी लोग भाई लोग व्लॉग देख रहे हैं उन सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। सबके लिए अच्छी अच्छी दुआ भाई। आ जाओ मंडोर घुमाते हैं आप सबको, मैं भी बना रहा हूँ, भाई भी बना रहे हैं। भाई आईफोन से बना रहे हैं, भाई गोप्रो से बना रहे हैं, मेरा ड्रीम, पता नहीं मेरे पास कब आएगा। एक लाइन कर दो ना ऐसा आप खुल के बोल सकते हो, नो टेंशन से। मेरे भाई क्या है कि थोड़े स्लो में मेरे को बोले भाई ये लाइन ऐड कर देना। एक्चुअली मैं इनको बोला अपने व्लॉग में आराम से बोलो, कोई समस्या नहीं, जो अपने को वर्ड समस्या होगी अपन करवा देंगे उसको। टू भाई आधी से ज्यादा वीडियो में ना ये टू टू ही चलेगा फिर ना। हाँ वो चलने को चल सकता है, लेकिन ये बात थी। तो भाई जोधपुर आए तो अपना फर्ज अपना कर्तव्य है, जो भी सब बनता है कि भाई को घुमाएं। बाकी एक्चुअली में भाई ने क्या है ना, पूरा जोधपुर देख रखा है, आपको मैं बता दूंगा सब, इनके चैनल का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना, सारा जोधपुर घूम रखा। अब एक्चुअली में घूमना तब सफल माना जाता है, मैं मानता हूँ, जब उसके हिडन प्लेसेस घूमे जहाँ पे टूरिस्ट ना आ सके। बस वही ये लाइन दिल की बोल दी भाई ने, जहाँ पे ना मतलब एक टूरिस्ट होता है वो क्या होता है कि एक जगह आता है, फिक्स लोकेशन पे घूमता है और चला जाता है, लेकिन जब एक ट्रैवलर आता है और लोकल गाइड अगर मिल जाए, लोकल वहाँ का कोई बंदा मिल जाए भाई, तो वो वहाँ के वो जगह घुमाता है जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते। तो बहुत सारी चीजें हम ऐसी घूमने वाले हैं, जब यहाँ पे आप आओगे तो बहुत ही जो यहाँ का लोकल होगा या जिसने बहुत ज्यादा रिसर्च किया वो ही दिखा सकता है, वरना हर कोई नहीं दिखा सकता। तो इस वजह से मैं इनको कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो YouTube पे ज्यादा नहीं मिलेगी मेरे चैनल को छोड़ के। तो जो भी है भाई को घुमाते हैं फुल, जो भी मिलेगा दिखाएंगे। बाकी जब गंगानगर जाएंगे तो इनके वहाँ घूम के आएंगे, फिलहाल अपना फर्ज है, हम तो बॉर्डर घुमाएंगे भाई, एक ही चीज है, टीम पे और बॉर्डर। तो अभी पाकिस्तान और बॉर्डर है, पाकिस्तान में ले चलेंगे तुमको। अभी घूम लेते हैं मंडोर, बाकी मैं मंडोर का कुछ नहीं बताऊंगा, 1% भी, सब बता रखा है भाई का, जो जाके वीडियो देखो, आलसी इंसानो, भाई की क्रिएटिविटी जो भी होगी वही बताऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो चलिए चलते हैं। बाराम राम राम, देखो क्या गांव आया बा, अच्छा जालो है, श्री गंगानगर ये हाँ। देखो देवता री साल है, बाबू जी इन सब है, आगे ठेठ राम जी तक, श्री कृष्ण महादेव जी तक है। देखो वाह, पूरा देख लियो गार्डन, ठीक बात। देखो भाई साहब, मंडोर गार्डन में जो रामदेवरा के लिए जा रहे हैं श्रद्धालु, वो सब यहाँ पे अभी ठहरे हुए हैं, कुछ स्नान कर रहे हैं। अपन किसी की प्राइवेसी का हनन नहीं करेंगे, बस यही बता देता हूँ कि भाई स्नान कर रहे हैं और ठहरे हुए हैं। भाई लोग मैं फिर से मंडोर दुर्ग में, तो नहीं बता रहा मैं कुछ भी इसमें, आप सीधा जाके वो मंडोर वाला मेरा ब्लॉग देख लेना, तुमको कुछ ना बता बता के सब कुछ बताएंगे। नई टेक्निक। तो भाई साहब, मारवाड़ राठौड़ों की आराध्य देवी चामुंडा माता का मंदिर, यहाँ पे मैं था, आपको याद होगा मेरे बर्थडे के दिन, आज भाई को लेके आए हैं। हाँ, बहुत भाई, भाई के व्लॉग देखो, अगर किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है ना, नेक्स्ट लेवल, डीप डीप में खोद खोद के, जैसे कहते हैं ना, क्या ऐसे उखाड़ रखे हैं इन्होंने। अब देखो कोशिश कर रहे हैं भाई का, जब यार अगर हिस्ट्री देखनी है, मैं अभी हमने 20 से 25 मिनट कम से कम बैठे हैं और सिर्फ हिस्ट्री सुनी है भाई की। भाई ने ना एक एक राजा कैसे हुआ, क्या किया, किसने कितना काम करवाया, किसने, भाई नेक्स्ट लेवल। इनके ब्लॉग थोड़े लंबे होंगे लेकिन डिटेल्ड, क्या बोलते हैं, नॉलेजेबल होंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू।
अगर जिसको सच में आईएएस वीएएस की तैयारी कर रहा है सालों ये देख लो भाई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और उनके हिस्ट्री है और हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी रखते हैं तो यहाँ पे ना आपको डीपली फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तुम ना मजे करोगे। थैंक यू भाई। जिसमें महाराणा प्रताप थे लेकिन अकबर नहीं था। और ये वाला भी हिल टॉप के ऊपर है। तो भाई साहब मेरे वीडियो में बहुत सारी चीज़ टेम्प्रेरी रहती है लेकिन एक चीज़ परमानेंट रहती है, वो मेरे दोस्त दिनेश पाटी का आना। इस वीडियो में भी वो आ रहा है। और वाटी वो बैठा वाटी हर वीडियो में आ ही जाता है। क्या रे वाटी कहीं ना कहीं करके ये और वाटी बैठा है और इधर वाटी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है। वो वाटी और वाटी की गर्लफ्रेंड तुमको भाटी पसंद नहीं। तो भाई साहब एक बार मैंने आपको मंडोर किला बताया था और मंडोर का गार्डन भी बताया था। उस टाइम मैंने क्या कि नार सिंह जी का एक पीछे मंदिर है गुफा टाइप है वो मैंने नहीं बताया था। अभी मैं वहाँ पे हूँ, प्रॉपर पूरा अंधेरा है कुछ भी नहीं दिख रहा और वहाँ पे हूँ। ये है, मेरे को समझ नहीं आ रहा पता नहीं क्या है यहाँ पे, बस मंदिर टाइप। भाई को मंडोर का किला, मंडोर का गार्डन सब दिखा। भाई मेरे घूंघट में मेरी मत बनाया कर, सब लोग कहे लुगाई आ गई। लुगाई नहीं भाई को मंडोर का किला और मंडोर गार्डन दिखा दिया। अभी किसी और लोकेशन पे चलते हैं वो बताते हैं। तो भाई साहब हम मंडोर गार्डन से बाहर आए, यहाँ पे नाश्ता किया और इसके बाद रितेश भाई ने अपने मोटो व्लॉगिंग के लिए यहाँ पे लगा लिया कैमरा। ठीक है, तो आज जोधपुर की मोटो व्लॉगिंग। साइड से होके इस साइड मेहरानगढ़ की साइड आ गए भाई रितेश को लेके। अब अगर कोई भाई जोधपुर आए और उसको मैं घुमाऊं और इस लोकेशन पे ना लेके आऊं ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो भाई रितेश को मैं दूसरी लोकेशन यहाँ पे लेके आ गया जो मेहरानगढ़ के जस्ट सामने है। तो काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, 350 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे लगभग, तो यहाँ पे चढ़ना पड़ेगा। मैंने पहले रितेश को बोला कि भाई, क्योंकि इनके शरीर के हिसाब से मैंने बोला कि भाई यार आपको समस्या होगी, फिर याद आया अरे यार रितेश विश्नोई गिरनार की जो पहाड़ियाँ हैं, गिरनार गुजरात में पड़ता है ना, गुजरात में, वहाँ पे 10,000 सीढ़ियाँ हैं। बंदा वहाँ पे चढ़ा और वापस उतरा है। उस बंदे को मैं बोल रहा हूँ कि भाई 350 सीढ़ियाँ मुश्किल होगी, नहीं गलत हो गया। तो जो भी है तो भाई को ऊपर लेके चलते हैं और व्यू बताते हैं आपको। हाँ भाई कैसा लग रहा है वो इन सीढ़ियों को देख के? भाई सीढ़ियों को देख के ऐसे लग रहा है जिस दिन गिरनार चढ़ा था वो मैं ही था क्या, या कैसे चढ़ कैसे गया? अभी तो कोई शायद 20-30 सीढ़ियाँ आई हैं, मेरी सांस फूल रही है। पीछे का व्यू देखो यार, आपके पीछे जो व्यू आ रहा है ना, वाह। मेहरानगढ़ फोर्ट इस लोकेशन पे बैठे थे, ऊपर जैसे आए मैं और रितेश दो भाई साहब मिले। थैंक यू, हेलो आपका। ये बोलेंगे अभी भी हम तुमसे सबसे प्यार करती बोल, हम तुमसे मुझे 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 लगता है भाई की आत्मा घुस चुकी अभी भी की है। अभी भी हम बहुत पैसे वाला होते, हम रेतेल के कुआं होते। क्या नाम भाई साहब आपका? फ्रेंडली बना तो वीडियो। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद नावेद है और ये सब चलता है। थैंक यू। आपका नाम क्या भाई साहब? यशवंत सोनी। ओके नाइस टू। व्लॉग में थोड़ी बहुत ज्यादा वल्गैरिटी चलती है, क्यों करते हैं? हमारे व्लॉग में तो हम जी भाई साहब, नमस्ते भाई साहब चलती, हम ऐसे गंदी गंदी बातें नहीं करते। हम तो जन्नत में रहती, हम तो सब देखती, हमने दुनिया बसाती। तो सीढ़ियाँ कहाँ है जन्नत की? जन्नत की सीढ़ियाँ यूँ नहीं दिखती, तुम तो यू गो देयर फॉल डाउन देयर और जन्नत भाई वीरू भाई आ चुके हैं, हम एक दूसरे को शूट कर रहे हैं और एक दूसरे की कर दो जय हो जय हो, मतलब हाय गाइस हाय, घूम 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 चक्करी। अरे भाई भाई, सो गाइस अभी हम पहाड़ को यहाँ से चढ़ के ऊपर आए हैं और पीछे आप देख रहे हो मेहरानगढ़ फोर्ट जो कि लग रहा बहुत ही बढ़िया। और उधर कुछ गर्ल्स आई हुई थी वो हमें देख रही थी और उनका देखने का कारण ये था कि मैं हैंडसम हूँ और सुंदरता को हर कोई देखना चाहता है। सही, और हम भी उनको देख रहे थे। नहीं ये झूठी बात है, झूठी बात है, झूठी बात है, जस्ट किडिंग गाइस, हम नहीं देखते गर्ल लड़कियों को, लड़के हमको देख लेती है, हम हैंडसम दिखते हैं यार, सुंदर सुंदर सुशील। सही है ब्रो, है हरामी टाइप के दिखते हैं स्वामी टाइप के। सही है साहब, रितेश भाई के पास ये है, ये कैमरा GoPro 10 है ना, GoPro 10 है तो भाई लेना, हमें भी लेना है जल्दी। देखो कब भाई, हाँ एक दो लोगों के थोड़ा वो मेरे को प्रॉमिस कर रखे हैं कि भाई जो आईफोन रखते हैं वो GoPro 10 से क्या
कीड़िया बढ़ गई। हाँ तो गाइस दोबारा से जिसके पास आईफोन होता है उसको गोप्रो की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैं आपका मानना, लेकिन हर एक ब्लॉगर का ना जो ड्रीम कैमरा वो गोप्रो ही है। आईफोन बढ़िया है, मतलब कैरी करने में। एंड अभी हम दोबारा से हबीबी रूप में आ चुके हैं। हबीबी रुको, ये देख। हाँ ये मान लो हबीबी, तुमको पैसा मांगती, हमके पास पैसा बहुत होती। वो वाले एक होते हैं ये वाले, और दो प्रकार के जी होते हैं, एक होता है वो वाला, एक होता है ये वाला। हम जी वाले नमस्कार जी यूज कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसे बोलो। आपने अपने अपने नाम तो बताओ। माय नेम इज नवीन। ओके, माय नेम इज अमन। अमन राकेश। राकेश आपका धनराज। माय नेम इज धन। कितना इसको वहां पे रोक दो। तभी नाम क्या? रितेश बिश्नोई। और मेरे फिर मैं अरिन भैया को तो ज्यादा से ज्यादा लाइक दो, और सब्सक्राइब तो भर दो कमेंट में। वाओ, कैसे दो सारे स्पैम, मतलब बार बार एक जना 20-20 बार जय श्री राम। 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 चलो बढ़िया लगा। आपने देख कैसे हो गए? हम जाएंगे दोबारा। तो भाई साहब, हमको ये लड़के मिले अभी स्कूल के जस्ट किले के सामने, तो ये बोल रहे हैं कि आपके चैनल का नाम क्या। अब इनको हम बताएंगे, ये बोल रहे भूल जाओगे यार, पेन का जुगाड़ किया। तो रितेश भाई अपने चैनल का नाम लिख रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से फुल सपोर्ट, आप बस चैनल का नाम दे दो। तो भाई ये ऑटोग्राफ वाली फील नहीं आ रही क्या आपको? क्या भाई, हम चैनल का नाम ले रहे हैं, हम ऑटोग्राफ दे रहे हैं, हमारे फैंस हैं, हो कि नहीं हो? yes. सब अपने फैंस हैं, मीटअप कर रहे हैं भाई। हाँ। एडवेंचर स्पोर्ट्स लोकेशन पे आ गए, तुम कर सकते हो? कोई नहीं कर सकते। जय जय श्री राम। मुंह पे जरूर नाम रखना, जय जय श्री राम। वाओ, राम भक्त। सो गाइस, हमने दो चैनल के नाम लिख के इनको दे दिए हैं, अब ये लोग करेंगे सब्सक्राइब। अरे फाड़ मत देना इसकी, मतलब इसको। सो गाइस, अभी हम ऊपर मंदिर के अंदर आए हुए हैं, और मैं बैठा हूँ एक पेड़ की छांव के नीचे, और बाहर दुबे भाई बाहर से कैमरा घुमाना, दिखाओ कि पेड़ की छांव की वैल्यू। ये देखो एक पेड़ है, उसके छांव की वैल्यू देख लो, सब इसके नीचे आके बैठ गए, है ना? सिटी नेम, सिटी वेयर ही इज फ्रॉम, एंड आई एम लिविंग फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स इन जयपुर। ओके, वेयर यू? जयपुर। वी नीड स्टैम्प्स। यू नीड वी नीड स्टैम्प्स टू सेंड अ पोस्टकार्ड। Stamps? Yes. Yeah. To send a postcard to Spain. Back to Spain. You should go dark post office. Post office. Yeah. So you need urgently. You can't call them. You say Ram Ram Sa. Ram Ram Sa. Okay. Ram Ram Sa. 1, 2, 3. Ram 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 Sa. Ram Ram Sa. Ram Ram Sa. तो भाई हमारे साथ रितेश है। अब रितेश आए उनको जनता स्वीट होम का मिर्ची बढ़ाना खिलाएं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हम ले आए हैं इनको जनता स्वीट होम पे। तो भाई साहब, भाई को गुलाब जामुन टेस्ट करवाने के फाइनली लेके आ गए। तो भाई साहब, घूम ली हमने रितेश के साथ जितना घूमना था, ऑलमोस्ट जोधपुर को कवर कर लिया। अब जोधपुर कवर करने के बाद फाइनली एक जगह पे बैठे हैं, मेरे साथ रितेश है। भाई बहुत मजा आया आज ना, सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत गर्मी ज़्यादा ही थी, इतना था।